कक्षा छ। तो हिंदी में हम देखते हैं, पहला पाठ है दयालु शिकारी, वो चित्र पाठ है। इसमें दिया गया है, इस चित्र में हिरनी का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। तो चित्र में दिखाई दे रहा है, जो हिरनी का शिकार करने के लिए जो शिकारी था वो जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। हिरनी है, शावक का मतलब होता है बच्चा। तो हिरनी ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी को गोली का निशान बन गई। उसी समय जब उसके बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद वो शिकारी था, उस शिकारी की गोली का शिकार वो हिरनी बन गई। शिकारी हिरनी के पास आता है, तब वो शिकारी होता है, वो हिरनी के पास आता है और देखता है तो उसे गोली टांग में लगी थी। तो शिकारी ने गोली लगाई, तो उस जो गोली लगी थी वो हिरनी के टांग में लगी थी। टांग का मतलब पैर, पैर में लगी थी। वह पछताता है, वो शिकारी को पछतावा होता है कि वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। और इसको हिरनी होती है, हिरनी और उसके बच्चे को वो शिकारी था वो डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ देता है, और बाद में वो जंगल में छोड़ देता है। तो बाल मित्रों, हमें नीचे चित्र दिए गए हैं, उसके ऊपर से हम वार्ता कहेंगे, ठीक है। चलो, तो क्या कहें, एक शिकारी था। तो आप पहले चित्र में देखें तो एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई। एक शिकारी था, उसे एक दिन हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। तो वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। तो वो है जो बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। जंगल में वो गया, उसके बाद उसने एक शिकारी ने मोटी और ताजी हिरनी देखी, जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये हिरनी है। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी, बहुत दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। ये हिरनी है जो ये दौड़ती हुई, ये वो शिकारी थी, वो उसके उसके ओर आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशान साधा। वो शिकारी है, वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी का शिकार साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। ये दौड़ती हुई हिरनी, जब शिकारी ने शिकारी को निशाना मिल गया, उस तब तो सीज में ही आती है और शिकारी को गोली छोड़, शिकारी ने गोली छोड़ी। तब जब शिकारी के सीज में आती है, उसकी निशाने के सीज में आती है, तब शिकारी ने उसे गोली लगाई। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। जो जब गोली लगाई, तब उसकी आवाज़ सुनकर जंगल में जो प्राणी थे, इसके अलावा जो हिरन थे उसके, वो भी इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया, उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी वो गोली मारने के बाद वो उसके पास गया, तो उसको उसने देखा कि यह हिरनी है, वो उसने एक छोटे बच्चे का जन्म दिया है। शावक का मतलब होता है बच्चा। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। जो शिकारी की गोली थी वो हिरनी के टांग में लगी थी। टांग का मतलब है पैर, तो पैर में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, हिरनी के आंखों से आंसू बह रहे थे। हिरनी के यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। ये देखकर शिकारी का दिल भर आया, शिकारी को दया आई उस पर। उसके बाद उसे बहुत पछतावा हुआ, और जो शिकारी था उसको भी बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। वो जंगल था, इसके आगे थोड़ा वहाँ एक अस्पताल था, प्राणियों का अस्पताल था। तो शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहाँ ले गया। वो शिकारी था, वो हिरनी और उसके बच्चे को वहाँ ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के टांग में लगी गोली निकाली दी और घाव पर मलहम लगाया।
तो शिकारी ने शिकारी वहाँ दवाखान अस्पताल ले गया और वो इसका इलाज करवाया। और डॉक्टर ने उसके टांग में जो गोली लगी थी वो निकाली और उसके बाद वो मरहम लगाया। इस इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को और बच्चे को दोनों को जंगल में छोड़ आया और बाद में उसका इलाज करवाया और शिकारी ने फिर से हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। बाल मित्रों, आपको मज़ा आया होगा। तो आप इसके पीछे आपको अभ्यास दिया गया है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।